हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल जीरो इन्फिनिटी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी एक्सिस बैंक ऐप में प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा है प्लीज़ कंप्लीट द वन टाइम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसी नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तीन मेथड हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एक दोनों तीनों मेथड को। तो चलिए शुरू करते हैं इन मेथड को। तो पहले मेथड नंबर फर्स्ट जानते हैं। तो दरअसल होता क्या है, जब भी आप ये स्टेप करते हो प्रोसेस करते हो, तो जो आपकी जो बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो सेम आपकी उसी डिवाइस में होनी चाहिए जिसमें ये आप प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर वो सेम आपके डिवाइस में नहीं है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर वो सेम भी आपके डिवाइस में है तो भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या करना है कि आपको मेक श्योर रखना है, ध्यान में ये रखना है कि उस सिम में वैलिडिटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि OTP आता है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको क्या करना है कि सिम को उसी डिवाइस में रखना है और उसमें रिचार्ज होना भी ज़रूरी है। और बहुत सारे यूज़र्स को क्या गलती करते हैं कि रिचार्ज तो करते हैं पर उसमें जो SMS वाला रिचार्ज होता है वो नहीं करते हैं। SMS वाला रिचार्ज से मतलब वो है कि जब वो वेरिफिकेशन करते हैं ये सब करते हैं स्टेप्स, तो वहाँ पे वो आपके डिवाइस से एक मैसेज सेंड करते हैं तो जिसके लिए चार्ज लगता है। तो वो SMS चार्ज के लिए हमारे सिम में पैसे नहीं होते, जिसके कारण ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, तो यहाँ पे फेल लिखा आता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा SMS पैक डलवा लेना है या फिर 1-2 रुपये आपके डिवाइस में होना ज़रूरी है एज अ SMS चार्ज सेंड करने के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये स्टेप्स फॉलो करोगे जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें।